तो भाई जी फॉर्म आ चुका है, इसको हमें भरना है। W8 बैंक का फॉर्म कैसे भरेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा नाम। लाइक जैसे मैं डाल देता हूँ, देन उसके बाद फर्स्ट कॉलम में अपना नाम डाल दिया, सेकंड कॉलम में आपको डालना है। तो ध्यान से देखोगे नीचे डालना है आपको, साइड में और ऊपर नहीं डालना, सिर्फ नीचे डालना है उसके। सेकेंड कॉलम में डालना है कंट्री, थर्ड के अंदर एड्रेस डालना जो आपका एड्रेस हो। लाइक मेरा एड्रेस है, मैं डाल देता हूँ। ये डाल दिया हमने, उसके बाद हमें डालना है आपका सिटी ऑफ टाउन स्टेट पिन कोड। तो सिटी हम डाल देंगे हैदराबाद, स्टेट हमारा हरियाणा। ठीक है, इसको हम कॉलम डाल देते कॉमा किया, स्टेट डालना है हमारा हरियाणा, फिर कॉमा, फिर डालना है पिन कोड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको डाल देना है यहाँ पे कंट्री में इंडिया, दोबारा से ये चौथा कॉलम छोड़ देंगे, पांचवा कॉलम छोड़ देंगे। उसके बाद छठे के अंदर डाल देंगे पैन कार्ड नंबर, साथ छठे का जो बी कॉलम है उसको कर देंगे टिक, चेक कंडीशन डाल देंगे। ये मैं आपको अपने लैपटॉप से भर दिखा रहा हूँ, आप अपना उससे ही भर सकते हो आप क्रोम के अंदर ब्राउजर में। मैं क्रोम ब्राउजर में आप फोन पे भी भर सकते हो, आप फोन भी इस टाइप का ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपका आई का साइन आ जाएगा, देन उसके बाद आप क्लिक करोगे तो अपन लिखा हुआ आ जाएगा, जहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ पूछा डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कर सकते हो। यहाँ पे करा पहले मंथ, तो पहले मंथ में हम डाल देते हैं। देन उसके बाद माइनस पे करा डेट, डेट डाल देते हैं माइनस, फिर कहता ईयर, तो ईयर में हम डाल देते हैं अपना जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। डालने के बाद उसके बाद हम पार्ट टू छोड़ देंगे। ठीक है, पार्ट टू 9 और 10 हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपना यहाँ पर करते हैं टिक साइन पे, और यहाँ पे जो आपको साइन करना है आप साइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सिग्नेचर में आप डाल दो अपना नाम, जो आपका नाम है, यहाँ पे डेट डाल दो जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हो। डेट में पहले आएगा आपका मंथ 01, डेट आएगी आपकी 28, ईयर जो है आपका 23। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसको फिर हम कर लेंगे शेव। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से भर चुका है आपका। उसके बाद अगर आपको शाइन करना हो तो यहाँ पे क्रोम के अंदर ऑप्शन है, तो अगर देख सकते हो यहाँ पे अपने सब भर दिया है। ठीक है, अगर आपको साइन करना हो तो आप साइन भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट हमारे इसके अंदर शो नहीं कर रहा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको सेव कर लेना है। सेव करने का तरीका है, क्रोम के अंदर कंट्रोल ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो अगर आप विद योर चेंज विदाउट योर चेंज, हमें विद योर चेंज के साथ डाउनलोड कर लेना है इसको। अब उसके अंदर चैन ठीक करा लो वाला आइडिया आ रहा होगा। उसके बाद जाके इसको अपलोड कर दोगे यहाँ पे जहाँ से आपको अपलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड के अंदर W8 का नाम फॉर्म है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पे दिखे तो आप अपलोड हो चुका है नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है अपलोड हो चुका है। अब ये कह रहा है हमने अपलोड कर दिया है, 5 डे होल्ड
4-5 दिन और लगने, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा। कुछ और आपको करना हो, अकाउंट ओनर नेम, एड्रेस वगैरह कुछ ऐड करना हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा हो चुका है ऐड, ठीक है। अकाउंट ओनर का नाम आ गया आपका, एड्रेस आ गया उसका और ईमेल एड्रेस आ गया। यहाँ पे अपडेट करना हो तो आप अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। कुछ भी अपडेट करना जरूरी है, अकाउंट अपडेट करना, कुछ भी अपडेट करना तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्म अपडेट करना हो तो फॉर्म भी अपडेट कर सकते हैं। पे या लॉगआउट अपडेट करना हो या कुछ ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। इस तरीके से आप फॉर्म इजीली तरीके से भर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको पसंद आई। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट, सब कुछ करता है। वीडियो कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।